हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज मैं आप लोगों को 2020 की जो एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आज के वीडियो पर हम लोग एक से लेके 25 तक जितना क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग जाएंगे। आज पार्ट वन हम लोग करेंगे जहाँ पर एक से लेके वन से लेके 25 तक जितना क्वेश्चन है वो सारी चीज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन। देखिए, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन की बात बोली गई है। मैंने आप लोगों को कराया था प्री क्लासेस पर कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होती है, राइट? तो देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सी ऑप्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम से रिलेटेड होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले ऑप्शन की मतलब समझेंगे। फर्स्ट क्या है? द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल गेटर सपोर्ट। मतलब हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो उस लर्निंग स्टाइल को और हर एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज होती है उन एबिलिटीज को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम पर। ओके, बी ऑप्शन का मतलब है इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज। तो मेमोरी बेस्ड नॉलेज मतलब जो भी आपकी मेमोरी रिलेटेड नॉलेज होती है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन है इंडिविजुअल हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ संभावना होती है, कुछ ना कुछ हिडन पोटेंशियल रहती है, तो उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए यहाँ पर सहायता किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन डी है डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी। मतलब हर एक काम पर आपकी परफेक्टनेस होना चाहिए, आपके अंदर की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, उसको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? करिकुलम गेट्स डिजाइन विथ अ आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जब भी करिकुलम को डिजाइन किया जाएगा तो वो एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस करके होगा। ठीक है, तो हम लोग जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम स्टडी किए थे इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। जो स्टूडेंट्स अभी तक इसको नहीं देखा, इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को, वो लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होती है, जहाँ पर हम लोग नॉलेज, मैं शॉर्ट फॉर्म पर लिख देती हूँ, ठीक है, स्किल्स, आपकी जो भी एबिलिटी होती है, इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस आप देते हो उन परफॉर्मेंस को यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश किया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छा होता है जिसके थ्रू आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज होती है, राइट? यही था कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। मतलब जहाँ पर आपकी जब भी आप कुछ काम करोगे ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करना जिसके थ्रू आपकी नॉलेज स्किल सब कुछ इंटीग्रेटेड हो कि आप परफॉर्मेंस दे सको। तो देखिए, यहाँ पर आपकी नॉलेज स्किल्स एबिलिटी ये तीन चीज़ें की बात बोली जा रही है। नॉलेज होगा, स्किल्स होगा एंड एबिलिटी होगा। तो यहाँ पर एबिलिटी को सपोर्ट करती है, ये बात सही है। प्लस लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल का मतलब ही क्या होती है कि ऐसा लर्निंग स्टाइल जिसके थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके, जिसके थ्रू आपको परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो लर्निंग स्टाइल ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी देख लो। ऑप्शन बी पर क्या है? इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज। सिर्फ मेमोरी बेस्ड नॉलेज यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? देखिए कि इंडिविजुअल आर हेल्प्ड अचीव देयर पोटेंशियल। आप कुछ परफॉर्मेंस करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक मास्टरी होना चाहिए। आप ठीक तरीके से, सफिशिएंट तरीके से आप परफॉर्मेंस दे सको इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस, आप क्यों परफॉर्मेंस करते हो? क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, आपके अंदर की पोटेंशियलिटी को यहाँ पर अचीव करना होगा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जब भी आप परफॉर्मेंस करोगे तो उसकी वो परफॉर्मेंस एक
ठीक तरीके से, उसके अंदर हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो देखिए ये प्रोफिशिएंसी भी रिलेटेड होती है, यहाँ पर हर एक जो वर्ड है ना, जैसे कि एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल, ठीक है, जैसे देखिए देयर पोटेंशियल, नेक्स्ट क्या है प्रोफिशिएंसी, ये सब ये जो कीवर्ड्स होती है, ये कीवर्ड्स रिलेटेड होती है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम से। तो देखो ए सी एंड डी करेक्ट है। ई क्या है आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जब हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को स्टडी किए थे तो यहाँ पर कोई आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं था कोई कीवर्ड, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, तो बी एंड ई गलत हो गया, ए सी एंड डी। अब देखो ए सी डी कहाँ पर है, ऑप्शन थ्री पर है, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ICF मॉडल। ICF मॉडल यूनिट 10 की जो हमारी इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन है, सॉरी इंटीग्रेटेड नहीं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके रिलेटेड है। ये मैंने फ्री क्लास पर नहीं पढ़ाया है, मगर जो 300 रुपीज़ की जो रिवाइज क्रैश कोर्स था वहाँ पर मैंने पढ़ाया था ICF मॉडल। तो ICF मॉडल के अनुसार जो भी क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज होती है वो क्या है, यहाँ पर हमें उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ICF मॉडल में पढ़ाऊंगी जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या क्या था। तो यहाँ पर मैं सही ऑप्शन बता देती हूँ, ए बी एंड सी होगा, मतलब ICF मॉडल की जो क्लासिफिकेशन होती है वहां पर बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी पार्टिसिपेशन होती है हर एक जगह पर, आप आपकी पूरी लाइफ पर हर एक जगह पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बोला गया है डिसेबिलिटी के लिए, तो बी भी सही आंसर है। सी होगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी ICF मॉडल पर आती है। ठीक है, तो इसीलिए ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो ए बी सी से, ए बी सी का जो ऑप्शन है वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए दो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये मैंने पढ़ाया था इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। द इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज रिफ्लेक्टेड टू विच द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो अब इंस्ट्रक्शनल थ्योरी से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो हम लोग समझेंगे अभी। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, बा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को तैयार करेंगे तो वहाँ पर एक लर्निंग आउटकम होना चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल, तो ए ऑप्शन राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन शुड प्रोमोट पार्टिसिपेशन अप्रोच लीडिंग टू सर्टेन मीनिंग गिविंग प्रोसेस। तो जब आप खुद कुछ काम करके कुछ सीखोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जब आप सीखोगे, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होती है, जब आप कुछ काम करते हो खुद से और वो काम को उस काम से एक्सपीरियंस लेके आप कुछ सीखते हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इस टाइप की इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को गठित किया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू उनको नॉलेज मिल सके, उनके थ्रू कुछ उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी अप्रोच लीडिंग टू सर्टेन मीनिंग गिवन प्रोसेस, वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा उसके अंदर एक जो इनर मीनिंग होगा, जो एक्सपीरियंस होगा वो गेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक सो दैट द लर्निंग आउटकम्स आर मेजर एक्यूरेटली। मतलब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होना चाहिए कैसा, स्पेसिफिक, जिसके थ्रू लर्निंग आउटकम को मेजर किया जा सके। पहली बात तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर कोई भी लर्निंग आउटकम नहीं है, यहाँ पर लर्निंग आउटकम को फोकस नहीं किया जाता। तो देखिए जितना भी लर्निंग आउटकम है यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट पर भी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम था, इसलिए ये गलत हुआ ऑप्शन।
जो सी है वो भी इसके रिलेटेड ही बोल रही है कि स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम हो सके जिसके थ्रू हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सके, तो इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत हुआ। ठीक है, अगर ऑप्शन डी को देखेंगे, इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोवाइड करना चाहिए चैलेंजिंग लर्निंग कंटेक्स्ट के लिए, मतलब आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड एनवायरनमेंट आएगा, आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो भी एक्सपीरियंस गेन करोगे वही आपके लिए एक मीनिंगफुल लर्निंग होगा, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजिंग लर्निंग कंटेक्स्ट आएगा, कोई भी स्पेसिफिक नहीं होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होना चाहिए वो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोमोट कॉग्निटिविटी रादर देन मेटा कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिविटी के ऊपर अगर फोकस करना हो तो यहाँ पर आउटकम होगा, तो जहाँ पर यहाँ पर आउटकम को यहाँ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, तो देखिए बी एंड डी ऑप्शन इसका सही है, तो बी एंड डी देखिए ऑप्शन टू पर हो है, तो इसीलिए ऑप्शन टू इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखिए, Which of the following statements exemplify the characteristics features of linear program style of instructional design? ये भी मैंने कराया था instructional linear program। ठीक है, जो instructional design होती है जो हमारी curriculum के अंतर्गत ही है वो मैंने कराया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लीनियर प्रोग्राम मतलब मैंने जो भी बोला था शॉर्ट फॉर्म पर उसके रिलेटेड ही देखिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले समझा देती हूँ, मैं इसके रिलेटेड लीनियर प्रोग्राम एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम के रिलेटेड एक अलग से वीडियो करूँगी जहाँ पर पूरी इन डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। पहले पहले हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगी, उस हिसाब से मैं ऑप्शन को जो ऑप्शन है उसकी मीनिंग बताऊंगी और सही ऑप्शन क्या है वो भी बता दूंगी। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जितना भी ऑप्शन दे दिया जाए आपकी सही आंसर क्या होगा आप ऑटोमेटिकली आप उसको सही चूज कर सकोगे। तो लर्निंग प्रोग्राम क्या होती है, पहले प्रोग्राम लर्निंग समझो, क्योंकि लर्निंग प्रोग्राम, ब्रांचिंग लर्निंग प्रोग्राम सब कुछ प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत ही आती है, राइट। तो प्रोग्राम लर्निंग एक तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कि मेटीरियल को प्रोग्राम किया जाता है और छोटे छोटे स्टेप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है लर्नर के सामने। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सॉक्रेटिस था, जो फिलोसोफर है, वो पहले प्रोग्राम लर्निंग को यूज़ किया है सबसे पहले, और इनका मतलब प्रोग्राम लर्निंग का जो प्रोपाउंडर है वो है बीएफ स्किनर। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग को दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है प्रोग्राम लर्निंग को। पहला होगा आपकी लीनियर प्रोग्राम, सेकेंड होगा आपकी ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्राम दिया हुआ है तो हम लोग लीनियर प्रोग्राम के बारे में ही पहले समझेंगे। प्रोग्राम लर्निंग का जो मतलब जो लीनियर प्रोग्राम लर्निंग है उसका जो प्रोफाउंडर है वो भी बीएफ स्किनर है। उनका मानना था जो ह्यूमन बिहेवियर होता है इट कैन बी शेप्ड टू कंडीशनिंग। ठीक है, अगर हम लोग सुइटेबल रीइंफोर्समेंट करते हैं तो लर्नर्स को आगे सीखने में वो चीज़ मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर देखना कि जब भी हम लोग किसी भी लर्नर्स को गुड कहते हैं, वेरी गुड कहते हैं, वेल डन कहते हैं, तो वो मोटिवेटेड होती है कि मैं और भी सीखूंगी, मैं और अच्छे से सीखूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको रीइंफोर्स कर रही हूँ, राइट। तो यही जो रीइंफोर्समेंट है, यही जो रीइंफोर्समेंट है, RIN लिख देती हूँ शॉर्ट में, जो री इन्फोर्समेंट है ये लर्नर्स को मोटिवेट करने में, ठीक है, ये लर्नर्स को मोटिवेट करने में मदद करती है। यहाँ पर जो कंटेंट होता है उसको फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कंटेंट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं ड्रॉ करके समझाऊंगी इसको। देखो यहाँ पर जो भी कंटेंट होती है, सपोज कीजिए आप करिकुलम समझ रहे हो, ठीक है, पहले बार आपको करिकुलम को समझना है, आप आगे कभी भी करिकुलम के बारे में कुछ नहीं
स्टडी की है, तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है व्हाट इज करिकुलम। तो आपको क्या किया जाएगा कि करिकुलम के ऊपर जो भी कंटेक्स्ट है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाएगा, और हर एक जो डिवीजन होती है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर चार या पांच, तीन हो गया, चार पांच ठीक है, फाइव फ्रेम बना लिया ठीक है। ये जो फ्रेम नंबर वन है, फ्रेम नंबर वन को समझने के बाद अगर करेक्ट रिस्पॉन्स दिया तभी आप फ्रेम नंबर टू पर जाएंगे, देन फ्रेम नंबर थ्री फोर एंड फाइव इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ठीक है। जो आपको पहला फ्रेम होगा मतलब ये जो फ्रेम नंबर वन है ठीक है, वहां पर एंट्री बिहेवियर को देखा जाएगा, अर्थात आपकी क्या प्रीवियस नॉलेज है उसको यहाँ पर पहले चेक किया जाएगा, और यहाँ पर आपको मतलब पूरी प्रोग्राम लर्निंग पर आपको क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा ठीक है। इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, अर्थात अगर स्टूडेंट सही रिस्पॉन्स देता है तो बोला जाता है योर रिस्पॉन्स इज करेक्ट, अगर गलत होता है तो बोला जाता है योर रिस्पॉन्स इज रॉन्ग। इसके थ्रू स्टूडेंट्स एक्टिव रहेगा, खुद की जो सेल्फ पेसिंग की थ्रू वो यहाँ पर सीखेगा। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंस पॉइंट होती है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स सेल्फ पेसिंग की थ्रू सीखता है ठीक है, खुद की जो भी एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर सीखता है। तो यही था कुछ पॉइंट्स, मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को समझा दिया कि प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। अब चलिए ऑप्शन पर जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन, मतलब छोटी छोटी भागों में इसको प्रेजेंट किया जाता है ठीक है, राइट एकदम सही है, मैंने यही समझाया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स टू प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब अगर आपकी गलती हो तो यहाँ पर फिर से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को प्रोमोट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सभी चीज़ मैंने इस यहाँ पर नहीं बताया था, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है ठीक है। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली है क्योंकि खुद समझता है चीज़ों को, खुद आंसर देता है और खुद आगे बढ़ता है ठीक है, इसीलिए पूरी प्रोसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है राइट। अच्छा चलो ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेट प्रोमोट एंड रिलीज, यहाँ पर कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट स्टूडेंट नहीं करेगा, डेमोन्स्ट्रेट की चीज़ भी यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है, और प्रॉम्प्ट करना, रिलीज करना, ये सब भी यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको समझना होगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर को सही देंगे, देन आप जो सेकेंड फ्रेम है वहाँ पर आप आगे जा सकेंगे ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। इमीडिएट फीडबैक मैंने जब समझाया था तब भी बताया था कि अगर आपके रिस्पॉन्स ठीक है तो यहाँ पर इमीडिएटली बोला जाता है येस योर रिस्पॉन्स इज करेक्ट, अगर गलत होगा तो बोला जाएगा योर रिस्पॉन्स इज रॉन्ग, तो यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट राइट, तो ए सी एंड ई करेक्ट हो गया, और ए सी ई कहाँ पर है, ऑप्शन थ्री पर है, इसीलिए ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, चलिए समझा देती हूँ आप लोगों को। पहले देखिए यूनिवर्सिटी टीचर, पहले हम लोग पूरी जो प्रॉब्लम दिया है स्टैटिस्टिक्स का उसको समझेंगे ठीक है, फिर आंसर को देखेंगे क्या आंसर होगा। अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री थ्रू सेल्फ मेड टेस्ट, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का एक टेस्ट हुआ है ओके, आप जो स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मीन स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी एन है वो सब कुछ यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है, और सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब कितना सैम्पल स्टूडेंट्स लेकर ये टेस्ट हुआ है, 100 स्टूडेंट्स लेकर। तो देखिए जो मीन है हम लोग पहले देखेंगे मीन क्या दिया हुआ है, मीन एच डी 50 दिया हुआ है, एच डी है आपकी 10, एन है आपकी 100 और स्कोर है आपकी 60। अब परसेंटेज रैंक यहाँ पर पूछा गया है, देखिए जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आप लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में मीन एच डी एन एंड स्कोर दिया हुआ है, आप लोग सिर्फ सोचना इसका मतलब मुझे जेड को निकलना है, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मीन
स्टैंडर्ड डिविएशन, एम एंड स्कोर्स दिया हुआ, मतलब यहाँ पर एनपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें जेड को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ये मैंने पहले समझ लिया, ठीक है। अब चलिए, इसके लिए आपको पहले एनपी से को समझना होगा, कुछ कैलकुलेटिव है, वैल्यू है, उसको समझना होगा। बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं अभी के लिए ये समझ आप लोगों को समझा देती हूँ। मैं एक काम करूंगी, जब ये क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एक अलग से वीडियो क्रिएट करके प्लेलिस्ट पर डाल दूंगी। आप लोग हर एक जो पार्ट होगा वो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आप लाइव क्लास पर लेके आओ, रिकॉर्डेड वीडियो मत दो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन पर मुझे बोल सकते हो, मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है। अगर लगता है नहीं रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो, लाइव क्लास चाहते हो स्टैटिस्टिक्स पर या फिर रिकॉर्डेड चाहते हो, ठीक है। आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं वीडियो क्रिएट करूँगी। चलिए अब समझ लेते हैं एनपीसी को। तो देखिए, ये है हमारी एनपीसी, जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं क्या, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अच्छा, अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर ये हो गया हमारी मीन, ठीक है। जो देखिए डॉटेड लाइन है, ये हमारी मीन है, ठीक है। अब इस तरीके से राइट साइड पर जाएंगे, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री। हम लोग हमेशा प्लस थ्री के थ्री तक जाएंगे, उसके बाद और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ये सब ट्रिक्स याद रख लीजिए। यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। अब देखो, जो जीरो से लेके प्लस वन तक है, ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो टू वन सिग्मा तक होगा, ठीक है। जीरो से लेके ये जो मैं ब्लू कलर से एरो कर रही हूँ, इसको देखिए, जो जीरो से लेके वन तक होगा उसका वैल्यू है 34.14, ठीक है। तो जीरो से लेके वन तक 34.14 होगा, ओके। प्लस पर भी सेम, माइनस पर भी सेम चीज होगा, ठीक है, कोई अलग नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब देखो प्लस टू पर वैल्यू क्या होगा, मतलब जीरो से सॉरी वन से लेके प्लस टू तक, मैं यहाँ पर वन से लेके बोल रही हूँ, जीरो से नहीं, जीरो से जब होगा वो अलग वैल्यू हो जाएगा। जब वन से लेके टू तक जाएंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 13.59। अब जब टू से लेके थ्री तक जाएंगे हम लोग, तब हो जाएगा 2.14, क्लियर हुआ। वैसे ही माइनस पर भी सेम होगा, माइनस वन से माइनस टू पर जाएंगे तो 13.59 आएगा वैल्यू, एंड जब माइनस टू से माइनस थ्री तक जाएंगे तब वैल्यू 2.14 होगा। तो ये था जीरो से लेके वन, वन से लेके टू, टू से लेके थ्री। अब हम लोग जीरो से लेके समझेंगे, जैसे इसको मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये तो मैसी हो जाएगा ये पूरी चीज। देखो, जब जीरो से लेके वन तक आएंगे तो 34.14 जैसा है वैसा ही होगा, क्योंकि सेम चीज है, चेंज होने की कोई बात नहीं है। मगर अगर हम लोग जीरो से लेके टू तक जाएंगे तो हम लोग 34.14 को कवर करते हुए टू पर जा रहे हैं, तो इसको ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल चीज है। ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 47.73 आ रही है, ठीक है। अगर एडिशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को रटना होगा, अगर एडिशन कर सकते हो तो रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 0 से लेके 2 तक 47.73% आती है। अब 0 से लेके अगर मैं 3 तक जाऊंगी तो यहाँ पर देखो 34.4, 13.59 इस दोनों को कवर करते हुए मैं 3 पर जा रही हूँ, तो आपको यहाँ पर तीनों को कैलकुलेट करना होगा, एडिशन करना होगा। तो देखना, ऐड करके आपको 49.87 आ रही है, ठीक है। सेम एज माइनस पर भी होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग जीरो से लेके वन तक जाएंगे तब भी 34.14, जीरो से लेके टू तक जाएंगे तो 47.73, अगर जीरो से लेके यहाँ पर थ्री तक जाएंगे तो 49.87 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग जो क्वेश्चन आई है एग्जाम पर उसके रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर कि मीन की वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। एसडी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन।
एन की वैल्यू क्या है 100, स्कोर कितना है 60। अच्छा तो मैंने क्या कहा था कि ये जो जब भी मीन एस डी एन एंड स्कोर देगा तब आप लोग क्या सोचोगे कि जेड की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करना है। और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला होती है वो होती है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मतलब है आपकी स्कोर, राइट। तो आप लोग 60 लिख दीजिए। अच्छा एम का मतलब क्या होती है, एम का मतलब होती है मीन, तो मीन कितना है 50 है। अच्छा आप एस डी, ये सिग्मा है मतलब एस डी की वैल्यू है कितना है 10 है। अब 60 से 50 तक अगर आप लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, और एक डिविजन देके फिर से 10 लिखना होगा हमें क्योंकि एस डी की वैल्यू 10 है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या होगा बताओ 1 सिग्मा, राइट 1 सिग्मा होगा। अब चलो फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब जब ये जो 1 सिग्मा है, प्लस 1 सिग्मा आया था ना, देखो प्लस 1, यहाँ पर कोई माइनस नहीं था तो यह इसका मतलब ये प्लस 1 सिग्मा। तो ये प्लस 1 सिग्मा यहाँ पर प्लॉट होगा, राइट। तो प्लस 1 सिग्मा तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये प्लस 1 सिग्मा से लेके माइनस 3 सिग्मा तक पूरी कवर हो रही है। देखो यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं जा सकते, मगर प्लस 1 सिग्मा पर जो माइनस वैल्यू है वो तो इंक्लूडेड रहेगा, राइट। क्योंकि ज्यादा चीज पर कम चीज होती है। अगर मैं कहूँ आपके पास 10 चॉकलेट है तो 10 चॉकलेट है तो वहां पर 2 भी चॉकलेट है, 3 भी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है, 8 चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है, 9 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, राइट। मगर अगर मैं कहूँ कि क्या आपके पास 11, 12, 13 चॉकलेट है, आप कहेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा में आपकी जो भी लो वैल्यू होती है वो रहती है, इसीलिए यहाँ पर प्लस 1 सिग्मा है तो यहाँ पर माइनस 3 पर ये कवर करेगा। तो देखो 0 से लेके माइनस 3 तक कितना वैल्यू होगा हमारी 49.87, ठीक है। 0 से लेके माइनस 3 सिग्मा तक हमारी जो वैल्यू होगा वो होगा 49.87। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है हम मेरा प्लस 1 सिग्मा। तो मेरा जो 0 से लेके 1 तक सिग्मा था उसका वैल्यू क्या था 34.14। तो ये जो 34.14 है इसको मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर फिर भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ध्यान में रख लो कि ये जो देखो मैंने वैल्यू लिखा हुआ है इससे लेके करूँ प्लस 1 से लेके ये माइनस 3 सिग्मा तक लाई कर रही है, तो ये जो 34.14 से लेके जितना वैल्यू है उसको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा 84.01, ठीक है 84.01 वैल्यू आएगा। अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ये देखो ऑप्शन है 84, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारी, चलिए ये देखो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, सही है ना, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, टफ भी नहीं है, अगर सही से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है एनटीए, तो हमें हर एक नेक्स्ट जो 2021 की जो नेट एग्जाम होगा वहां पर भी हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन कितने प्रकार की होती है, पहले मोबाइल एप्लीकेशन के टाइप्स को समझ लेते हैं फिर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, अगर कंसेप्ट नहीं आएगा। ओह सॉरी, चलिए आ गया।
टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पर शॉर्ट वे में नोट्स दिया है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँगी, तो वहाँ पर आप लोग पूरी जो जानकारी है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो तीन भागों में डिवाइडेड होती है। पहला होती है आपकी नेटिव ऐप, ठीक है, दूसरा होती है आपकी वेब ऐप, तीसरा होती है आपकी हाइब्रिड ऐप, ठीक है। पहले हम लोग नेटिव ऐप के बारे में समझेंगे कि नेटिव ऐप क्या होती है। देखिए, नेटिव ऐप आर क्रिएटेड फॉर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बोली गई है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर बोलती हूँ बहुत इजी वे में, जिसको आप प्ले स्टोर से जब मोबाइल से कुछ डाउनलोड करते हो जो भी एप्स को, ठीक है, उसको ही हम नेटिव ऐप कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी गेम हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया जो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो सभी जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसको हम नेटिव ऐप कहेंगे। अब यहाँ पर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि कोई ऐप आपकी एंड्रॉयड फोन के लिए, ठीक है, सपोर्ट करती है, कोई ऐप आपकी आईफोन के लिए है वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब आपका मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उस प्रकार की जो उसकी जो प्रकार होती है उसके ऊपर बेस करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हर एक फोन पर। मेरी फोन एंड्रॉयड है तो यहाँ पर मेरी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से प्ले स्टोर से मेरी जो भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होगा। सपोज कीजिए किसी का आईफोन है तो उसका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो अलग है, तो उसकी जो भी डाउनलोडिंग होगा वो थोड़ा बहुत अलग होगा, ठीक। तो इसीलिए इसको हम नेटिव ऐप्स कहते हैं। ये होती है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल ऐप होती है जो भी हम लोग डाउनलोड करते हैं। क्लियर, बहुत आसान था। अच्छा चल, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वेब एप्स के बारे में। वेब एप्स क्या होती है? वेब एप्स आर रिस्पॉन्सिव वर्जन ऑफ वेबसाइट। तो वेब ऐप में हम लोग क्या देखेंगे, वेबसाइट को देखेंगे, ठीक है। दैट कैन वर्क ऑन एनी मोबाइल डिवाइस और ओएस बिकॉज दे आर डिलीवर्ड यूजिंग अ मोबाइल ब्राउजर। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, राइट। वेब एप्स कौन सी होती है? देखिए, जो आपकी ब्राउजर के अंदर चलती है, जैसे अपने अगर किसी चैनल की जो न्यूज़ देखनी है, ठीक है, या फिर कोई भी वेबसाइट खोलना है तो आप क्या करेंगे, .com देखकर गूगल पर सर्च करेंगी। तो यहाँ पर क्या करिए, मेरी जो क्रोम ब्राउजर होती है, यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि क्रोम ब्राउजर, सफारी, ये सभी कि मेरी मोबाइल में ऑलरेडी है, मुझे डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी एक वेब है, तो यहाँ पर इस वेब से मैं कोई भी वेबसाइट को यहाँ पर देख सकती हूँ, अलग से कोई भी वेबसाइट मुझे डाउनलोड नहीं करना होगा। सपोज मैं वेदर देखना चाहती हूँ तो वेदर रिलेटेड कोई भी मुझे वेबसाइट इसको डाउनलोड नहीं करना होगा। सपोज मैं नेट की कोई भी रिजल्ट देखना चाहती हूँ तो नेट के रिलेटेड अलग से कोई एप्स नहीं होती है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो जब हम लोग किसी भी ब्राउजर में जाते हैं और कोई भी वेबसाइट को चेकआउट करते हैं और इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम वेब ऐप्स कहते हैं, ठीक है। ये क्रिएट किया जाता है किसके लिए, देखिए HTML, CSS, JavaScript, इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्स क्या है, हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड का मतलब देखिए क्या होती है, कॉम्बिनेशन। जब हम लोग ICT स्टडी किए थे तब भी हम लोग ये जानते थे कि हाइब्रिड का मतलब ही होती है कॉम्बिनेशन करना। जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात कही जाए तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास जब एक साथ हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो वो भी हाइब्रिड होती है। तो यहाँ पर भी हाइब्रिड सेम है कि यहाँ पर तो ट्रेडिशनल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम नहीं होगा, यहाँ पर क्या इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, वेब ऐप एंड नेटिव ऐप को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए,
कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेटिव एंड वेब ऐप बट रैप्ड विद इन अ नेटिव ऐप गिविंग द एबिलिटी टू हैव इट्स ओन आइकॉन और टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम एन ऐप स्टोर। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होती है कि ये तो पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन है नेटिव एंड वेब ऐप की, ठीक है। कोई एक ऐसी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पर नेटिव है तो डाउनलोड आपको करना ही होगा, ठीक है। आप लोग आपने क्या किया, डाउनलोड किया, ठीक है, जिसमें क्या होगा सारा डाटा सारा इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से आ रही है। सपोज कीजिए ऐसी कोई न्यूज़ चैनल है या फिर ऐसे कोई वेदर रिपोर्ट की कुछ ऐप्स अभी आई है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, आई है, जो कि आपने क्या किया प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड किया ठीक है, मगर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपकी क्या आएगी वेबसाइट से ही आएगी, ठीक है, अलग से नहीं आएगी। तो इसको ही हम हाइब्रिड ऐप कहते हैं, ठीक है। ये भी यूज़ किया जाता है HTML CSS JavaScript पर, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन की एकदम बेसिक क्वेश्चन आई है, मोबाइल एप्लीकेशन की टाइप्स क्या है, नेटिव होगा हमारी, मोबाइल वेब होगा हमारी एंड हाइब्रिड होगा, तो ABC होगा। तो ABC देखिए सेकंड ऑप्शन पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई जगह पर डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, मैंने जब रिवाइज क्रैश कोर्स पर पढ़ाया था और एग्जाम लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था। देखिए सेम क्वेश्चन आई है, तो देखिए पहला क्या है, लिस्ट वन पर कॉज ओनली इफेक्ट्स ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट एंड ऑप्शन डी नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट, राइट। और यहाँ पर लिस्ट टू पर यहाँ पर पुरुषा महत अहंकार एंड फाइव सब्सटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, फाइव मोटर ऑर्गन्स, मनस, फाइव ग्रॉस बॉडीज एंड ऑप्शन फोर इज प्रकृति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये आप लोगों सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। कॉज अगर बोली जाए तो ये आएगा आपकी चार प्रकृति के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट्स है तो इफेक्ट्स बी होगा आपकी फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन के साथ। कॉज एंड इफेक्ट अगर दोनों चीज है तो आपकी होगा महत अहंकार के ऊपर, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट की बात बोली जाए तो ये पुरुष के ऊपर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, वन हो गया। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी की जो साइकोमोटर डोमेन है उनकी जो प्रोपाउंडर है वह प्रोपोस्ट किया है RH Dev, दोनों की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर जिसका नाम दिया हुआ है वो है RH Dev। तो RH Dev के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगोरी पर आती है वो बोला गया है। तो पहले मुझे RH Dev की अकॉर्डिंग जो साइकोमोटर डोमेन है उसको जानना होगा, फिर ही हम इसको आंसर कर सकेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहले। अच्छा, RH Dev 1975 पर इसको क्रिएट किया है, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है ये साइकोमोटर डोमेन के लिए इन्होंने इसको कैटेगोराइज किया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इमिटेट, ठीक है, इमिटेशन और इमिटेट। ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स परफॉर्मेंस मे बी ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, जब कोई कुछ करता है, ठीक है, पहले इमिटेशन का मतलब, इसका मतलब पहली जो सेंटेंस है उसका मतलब समझो। यहाँ पर क्या होती है कि जब कोई कुछ करता है तो उसको ऑब्जर्व करते हुए जब वही एक्शन वो करेगा, वो इंसान करेगा, मतलब जब किसी चीज़ का कॉपी वो करता है तो उसको हम इमिटेट कहते हैं। अब देखो जब किसी का कॉपी कोई करेगा ना तो उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होती है, लो क्वालिटी की होती है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है परफॉर्मेंस मे बी ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होती है, मैनिपुलेशन, बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसिंग। तो इसका मतलब है जब कोई किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए कोई भी एक्शन करने की क्षमता रखता है तो उसको मैनिपुलेट कहा जाता है। इस क्षमता को ये रिटेन और वर्बल दोनों फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पर उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे अभी क्वेश्चन आई है साइकोमोटर डोमेन से, तो यहाँ पर आप लोगों की एग्जाम्पल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। नेक्स्ट क्या है, प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग करना, बिकमिंग मोर एग्जैक्ट, ठीक है। फ्यू एरर आर अपीयरिंग, तो इसका मतलब क्या होती है, इस लेवल पर आप एज ए परफॉर्मर किसी की हेल्प के बगैर, किसी की हस्तक्षेप के बिना कोई काम करोगे और वो काम में बहुत ही कम मात्रा में मिस्टेक्स होगा। फ्यू एरर्स है ना, तो कम मात्रा में मिस्टेक्स होगा, एग्जैक्ट होना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो उसको हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है। सो इट विल बी जस्ट राइट, देखिए वर्किंग एंड रीवर्किंग समथिंग, सो इट विल बी जस्ट राइट। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन, अचीविंग हार्मोनी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती है। किसी भी न्यू और विन प्रकार की रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, आप सही मेथड से विन प्रकार की एक्शन को इंटीग्रेट करते हुए परफॉर्म करोगे और किसी भी सिचुएशन को आप एडॉप्ट करोगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचुरलाइजेशन। हैविंग हाई लेवल परफॉर्मेंस बिकम नेचुरल विदाउट नीडिंग टू थिंक मच अबाउट इट। इसका मतलब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपकी बिहेवियर में ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस आ जाती है। ये परफॉर्मेंस बहुत सबसे लिटिल बीट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सटेंशन के साथ होगा, ठीक है। मतलब जब आप सोचेंगे नहीं कि क्या परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्या एटीट्यूड करना चाहिए, ठीक है, क्या एक्शन करना चाहिए, आप कोई भी सिचुएशन देखेंगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो बिहेवियर में वो सारी एक्शन आ जाएगा, इसको ही हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो जो क्वेश्चन आई है उसको देखते हैं। ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटी एंड रिलेटेड स्किल्स एट स्ट्रैटेजी लेवल, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी किसी चीज के ऊपर एक्टिविटीज आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जब भी ऑटोमेटिकली कुछ चीज होगा वो कहाँ पर आएगी, हमारी नेचुरलाइजेशन पर आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अच्छा, इस बार NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछी गई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल फर्स्ट है, सेकंड है कि इंश्योरिंग दैट द लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड। सो यहाँ पर क्या इंश्योर करने की कोशिश किया जा रहा है कि जो लर्निंग से वो रोट मेथड से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब जो भी करिकुलम होगा वो टेक्स्ट बुक से होगा, ठीक है। इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर इंटरफेस किया जाता है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन डोमिनेंट कल्चर, तो डोमिनेंट कल्चर को यहाँ पर जो हमारी कल्चर्स है उसको यहाँ पर बोला जाता है कि डोमिनेंट कल्चर के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो देखिए जो NCF है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वहां पर हमें जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्कूल, मतलब सिर्फ स्कूल्स में बुकिश नॉलेज नहीं, उससे अलावा भी कुछ ना कुछ जानना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए एज ए टीचर, तो उसके ऊपर एम्फसाइज किया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है,
इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स. ऑब्वियसली रोट लर्निंग से थोड़ा सा हटके कुछ करना होगा हमें, सिर्फ रटना नहीं है. तो इसलिए बी ऑप्शन भी सही होगा. ठीक है. अच्छा सी क्या है? एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो भी करिकुलम है, मतलब करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज है, उसमें भी हमें जाना होगा, उसको भी अचीव करना होगा. अब देखो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बोला, और डोमिनेंट कल्चर भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि चार ऑप्शन पर है ए बी सी. ठीक है. तो फोर इज द करेक्ट. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था और मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर भी ये दिया था महात्मा गांधी से रिलेटेड. तो देखिए जो महात्मा गांधी है उन्होंने कौन सी बुक्स के नाम लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी बुक्स के नाम लिखा है. ठीक है, ये सारी चीज पूछा गया. नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है. तो पहला महात्मा गांधी ने माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये होगा उनकी बुक्स की नेम. अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड. अच्छा, श्री अरबिंदो उन्होंने अ लाइफ डिवाइन, एंड स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत के ऊपर बुक लिखी थी. तो देखिए महात्मा गांधी अगर आपको पता चले, मतलब आपकी अगर महात्मा गांधी की बुक की नेम आप लोगों को पता है, तो सारी ऑप्शन आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए फोर एक ऑप्शन दिया हुआ था, राइट. तो और अगर आपको पता होता कि ए महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है, तो जो बाकी की ऑप्शन है वो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो फोर इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट, एस एस ए इजी है. मैं जब भी एग्जांपल देती हूँ सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर ही बेस करके देती हूँ, और आप लोगों को बोलती भी हूँ इसको थोड़ा सा फोकस करने की. तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या होती है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पर होगा, सभी बच्चे यहाँ पर आके पढ़ेगा. तो इसका मतलब क्या होती है कि जीरो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, राइट. तो यहाँ पर देखिए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कहाँ पर है, ऑप्शन टू पर है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना. ये जो एजुकेशन की एक्सेस है, सभी बच्चे इसको एक्सेस कर सकेंगे, इसका अवेलेबिलिटी एवरीवेयर होगा. ठीक है, इसको ही हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं. तो इसलिए ऑप्शन टू करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, assertion and reason करके, तो हमें इसको समझना होगा. पहला क्या है, planning for instruction refers to the decision made about organizing, implementing and evaluating instruction. मतलब जब भी instruction के लिए प्लान किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए पहले परिकल्पना किया जाता है, वो तब क्या होगा, क्यों परिकल्पना करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू कुछ डिसीजन ले सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. इम्प्लीमेंट करने के लिए, इवेल्युएटिंग करने के लिए हमें क्या जरूरत है, इंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग. इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि प्लानिंग हमेशा अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, निर्देश देती है कहाँ पर जाना चाहिए. And through this feel of confidence, इसके through हमें एक confidence मिलती है, हाँ हम लोग सही कर रहे हैं. ठीक है, to the teacher को, it helps the teacher to become a reflective decision maker about the instruction. तो ये instruction देने के लिए एक reflective decision भी है. तो देखो ये दोनों ही सही है, मतलब ये जो भी assertion जो statement दिया है वो भी सही है, reason की statement भी सही है, और यहाँ पर assertion के ऊपर बेस करके जो reason दिया हुआ है, मतलब जो कारण दिया हुआ है वो भी सही है. तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट, फिर से MCF, और MCF हमेशा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होती है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, नॉलेज डिसबर्स टू नॉलेज ओन. ठीक है,
नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, नॉलेज डिसबर्स से नॉलेज ओन तक जाएगा, मतलब खुद सीखेंगे सभी नॉलेज से, डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरी पर आएंगे, लर्नर्स ऑटोनॉमी से टीचर डायरेक्शन तक, पहले लर्नर की ऊपर फ्रीडम दिया जाएगा, फिर टीचर की डायरेक्शन होगा, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक होगा, या फिर फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम, पहले चार दीवारों के अंदर सभी को पढ़ाना होगा, फिर आपको क्लासरूम की बाहर लेके जाया होगा। तो कौन से ऑप्शन इनमें से सही है? ठीक है, तो देखिए ये नॉलेज डिसबर्स नॉलेज जोन सही नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन से मल्टी डिसिप्लिनरी पर हम लोग जा सकते हैं। अच्छा सी लर्नर्स ऑटोनॉमी, पहले फ्रीडम दो फिर स्ट्रिक हो जाएगा टीचर, ये भी सही नहीं है, एकदम गलत होगा। ओके डी ठीक है, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक, एक पहले एक सेंट्र मतलब टीचर सेंट्रिक होगा, ठीक है, उससे लर्नर सेंट्रिक लर्नर्स को फ्रीडम दिया जाए, पहले फ्रीडम दो फिर फ्रीडम छीन लो, ये क्या बात हुई, राइट? तो इसीलिए ये ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पहले फिर से देखिए, पहले नैरो से हम लोग ब्रॉडर सेंस पर जा रहे हैं यहाँ पर। तो नैरो सेंस क्या है, फोर वॉल्स टीचर सेंट्रिक से अगर लर्नर सेंट्रिक पर नैरो से ब्रॉडर सेंस तक जा सकते हैं, तो ये भी जा सकते हैं कि फोर वॉल क्लासरूम से पहले बच्चे को फोर वॉल्स क्लासरूम पर पढ़ा लो, फिर आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जो भी एक्सपीरियंस है वो देना होगा। तो इसीलिए इस हिसाब से ऑप्शन ई भी सही है, तो बी डी ई सही हुआ, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट। ठीक है, ओके डेंग एंड ल्यूक, ये भी मैंने कराया है अन एकेडमी पर, फ्री क्लासेस पर, मैं यूट्यूब पर भी करा दूंगी। ठीक है, मैंने कहा था कि अभी शॉर्ट टाइम है, अन एकेडमी देख लो मेरी फ्री क्लासेस को। तो डेंग एंड ल्यूक का क्या है, देखिए उन्होंने जो नॉलेज प्रोपोजिशन दिया था जो उसके ऊपर, तो उन्होंने डिसिप्लिनरी के ऊपर बोला था, प्रैक्टिकल के ऊपर बोला था, एक्सपीरियंस डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट फिर से एसर्शन रीजनिंग दिया है यहाँ पर, फर्स्ट क्या है, द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी होती है इसको निर्धारित किया जाता है किसके थ्रू, द एबिलिटी टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टेब्लिश कोड्स। ठीक है, जो भी टीचिंग कोड्स है उस हिसाब से मेरी जो टीचिंग बिहेवियर है वो सही है या नहीं, उसको मैच करने के लिए रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग स्टाइल है उसको किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, राइट, इसका क्यों किया जाता है, रीजन अगर हम लोग पूछेंगे इसको, तो इन अ टेक्निकल अप्रोच टू रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज इज रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड देन अप्लाइड टू प्रैक्टिस, मतलब इसके थ्रू प्रोपोजिशनल नॉलेज होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, देन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका कारण, हम जब भी मैं मीनिंग बता रही हूँ तभी आप लोगों को समझ में आ रही है कि इसका कारण ये नहीं है, राइट, करण क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मैचिंग के लिए, फिर यहाँ पर क्यों मैचिंग के लिए कर रही है, अगर इसकी रीजनिंग सही होता तो क्या होता कि सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, जो भी रॉन्ग चीज़ कर रही है टीचर वो नेक्स्ट टाइम सही करेगा और भी डेवलप्ड होगा, तो इसका कारण इस तरीके से होना था, मगर रीजनिंग पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर से एक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रही है ना तो कि कोई रीजनिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ई एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मैंने ये भी कराया था अनअकैडमी पर। ओके, Which of the following have been identified a performance indicator for assume accreditation of institution by NAC? तो NAC की जो भी accreditation है उनमें से उसकी according ये जो option है उनमें से कौन सी option सही है? Curriculum aspects obviously NAC देखती है, right? तो option ये तो पहले correct होगा। चलिए next क्या है? Research innovation extension ये भी देखती है।
तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, गवर्नमेंट लीडरशिप मैनेजमेंट ये सारी चीज भी देखती है, इलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं देखती, राइट, तो ये गलत हो गया। हाँ, इंस्टीट्यूशन की वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ये भी देखती है। तो ए बी सी ई कहाँ पर है, देखो फोर्थ ऑप्शन पर है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, यस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करके क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर गिव्स अ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। ऑब्वियसली वर्क कैसे करेंगे, वर्कर के साथ कैसा एटीट्यूड रहेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया था। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट क्या है, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, लेजर के ऊपर एंड इमोशन के ऊपर उन्होंने प्राइम इम्पोर्टेंस दिया था एफ टाइलर ने, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग टेलर की जो भी थ्योरी है वो अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो इसीलिए ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मैंने इसको पढ़ाया था यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लेके। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फसाइज ऑन, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पर, सिक्योरिटी टू स्टाफ, स्टाफ मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को इन शॉर्ट में कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या होती है। देखिए ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का मानना है कि अगर आप एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपकी जो भी स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, राइट। तो इसीलिए हायर एजुकेशन करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है, और इसके थ्रू प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, राइट। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की सिक्योरिटी की बात ह्यूमन कैपिटल ने नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, स्टाफ मोटिवेशन ये मैं बाद में सोचती हूँ, पहले ऑप्शन सी देख लेती हूँ क्या, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करो, तो ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। अच्छा, इन सर्विस एजुकेशन टू द स्टाफ, मतलब इन सर्विस का मतलब पहले समझो फिर हम लोग देखेंगे, मतलब काम करते करते कुछ ट्रेनिंग लेना, राइट। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ने यही तो बताया था कि जो भी आप सीख रहे हो उसको स्किल्सफुल करना चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर इन सर्विस करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप सर्विस करते हो, अगर आपके पास सोच रहे हो कि नहीं मैं जो कर रही हूँ उसको और भी बेहतर करने के लिए मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करो, तो इसीलिए इन सर्विस भी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। स्टाफ रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पर नहीं बोली है। अच्छा, तो सी एंड डी कहाँ पर है देख लो, सी एंड डी तीन तीन ऑप्शन पर है और चार ऑप्शन पर है, तो यहाँ पर ई तो गलत होगा, तो ई गलत हो गया, तो मेरा फोर ऑप्शन जो था वो भी गलत है, वन टू भी गलत है, तो यहाँ पर रहा कौन, बी सी एंड डी, मतलब ऑप्शन थ्री। तो जो हमारी स्टाफ मोटिवेशन है वो सही है। अब देखो स्टाफ मोटिवेशन क्यों सही है, क्योंकि जब ट्रेनिंग लेके आपकी नॉलेज एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, मैं और भी अच्छे से करूँगी, ठीक है। तो एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आ जाती है हर एक को, इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अच्छा, जब हम लोग यूट्यूब पर या फिर किसी भी कॉमर्शियल लाइंस पर जब कोई भी फोटो या कोई भी कंटेंट देते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक एक बहुत बड़ा चीज़ है कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, ठीक है।
क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होती है जहां पर देखा जाता है सभी जो भी यूज कर रहे हैं यूजर सभी इसको इस फोटो को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी के लिए है। और दूसरा कौन सी लाइसेंस होती है कि कोई भी यूज नहीं कर सकती। तीसरा लाइसेंस होती है कि अगर यूज किया जाएगा तो परमिशन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस सभी यूजर के लिए एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, यूज द एजुकेशनल कंटेंट ऑब्वियसली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रिमिक्स द एजुकेशनल कंटेंट्स। ठीक है, हाँ रिमिक्स भी कर सकते हो एजुकेशनल कंटेंट को, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिमेम्बर, यहाँ पर कोई रिमेम्बर करने की चीज तो नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूट, आप मॉडिफिकेशन करो, किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, जो इच्छा करो आपके लिए एक्सेसिबल वो है। इसीलिए ऑप्शन डी भी सही है। तो ए बी डी कहाँ पर है बताओ, ऑप्शन थ्री पर है, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट। नेक्स्ट मैचिंग है, मैचिंग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, रिसर्च रिलेटेड है राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्रायंगुलेशन, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहाँ पर देखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा गैदर एंड इंटीग्रेटेड। क्वालिटेटिव डाटा इज गैदर फर्स्ट, मतलब पहले गैदर करना होगा, फिर आपको उसको सेम प्रीडोमिनेंस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूनिट। ठीक है, आपको रिस्पेक्टिवली एनालिसिस करना होगा। फोर्थ है क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करो, फिर नेक्स्ट उसको प्री डोमिनेंस करो। नेक्स्ट है मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्ट फॉर द डाटा। ठीक है, इसको मैंने अन अकेडमी पर समझाया था, रिसर्च में बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए पहले देख लेते हैं ओके, कौन सी ऑप्शन कहाँ पर जाएगा। जो ऑप्शन ई है वो दो पर आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी पर पहले क्वालिटेटिव करना होगा। नेक्स्ट हम लोग इसको प्री डोमिनेट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, बी है, बी जाएगा आपकी 5 नंबर पर, मतलब मैक्रो लेवल एनालिसिस यहाँ पर आपको करना होगा। रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी एक्सप्लेनेटरी, सी है, सी आपकी जाएगा 4th ऑप्शन पर, पहले क्वांटिटेटिव करो। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, प्रीडोमिनेट्स करना होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पर पहले क्वालिटेटिव था और एक्सप्लेनेटर पर पहले क्वांटिटेटिव है। ओके, अच्छा नेक्स्ट डी, डी आपकी ट्रायंगुलेशन जाएगा 1 पर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एक साथ करना होगा। नेक्स्ट आपकी ई ऑप्शन जाएगा 3 पर, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो सही है। फिर से असर्शन एंड रीजन, चलिए इसको समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सपोर्ट प्रमोशन ऑफ रिसर्च। आप इंफॉर्मेशन से रिसर्च प्रमोट कर सकते हो, यस। डेवलप कर सकते हो, यस। इनोवेशन कर सकते हो, यस। कोई भी तथ्य से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन आ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ को। रीजन, क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है। ये सही है, ए की जो रीजनिंग है सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को एज ए इनपुट की तरह नहीं देंगे तो प्रोसेसिंग में कोई भी रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन नहीं होगा। प्रोसेसिंग नहीं होगा तो आउटपुट पर जो भी रिसर्च के जो भी रिजल्ट है वो नहीं आएगा। इनोवेशन में जो भी चीज आप तैयार कर रहे हो वो भी नहीं होगा। इसीलिए इनपुट होना चाहिए तब भी ये सारी चीज आएगा। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अच्छा, ह्यूमन लर्निंग कंटेक्स्ट। ठीक है, कार्ल रॉजर्स की ह्यूमन लर्निंग कंटेक्स्ट, ये भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर कराया था जो 300 रुपीज की आप लोगों ने किया था। तो यहाँ पर देखिए जो भी ह्यूमन लर्निंग कंटेक्स्ट होती है
कार्ल रॉजर्स की, तो यहाँ पर उस हिसाब से सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग सही होगा, ठीक है। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होती है कि किसी स्मॉल ग्रुप पर, ग्रुप ऑफ पीपल पर जब वर्क इफेक्टिवली होगा तो उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। अच्छा, बजट, ये भी मैंने लाइव क्लास पर आकर पढ़ाया था। बजट का मतलब ही क्या होती है, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही बजट आती है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। अच्छा, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ओके, ये मैंने नहीं कराया था आप लोगों को, चलिए बता देती हूँ। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग एक बार आप लोगों को फिलोसॉफी के ऊपर लेसन देना होगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पर क्या बोला है, देखिए कौन सी ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव, ऑप्शन ए बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पूरी वर्ल्ड होती है वो हमारी कंडीशनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन संसार एंड निर्वाणा, जो कि हमारी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से डायरेक्ट रिलेटेड होती है, ओके। सी, अपीयरेंस हैव अ रियल ओरिजिनेशन, ये अपीयरेंस नहीं था, अपीयरेंस आर नॉट डिवॉइड टू अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी पर अपीयरेंस डिवॉइड नहीं है, ये भी गलत है। ऑल अपीयरेंस मतलब धर्मस बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी जो भी धर्मा होती है, जो भी अपीयरेंस होती है, वो कोई भी रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ये उन्होंने बताया था। तो देखिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ठीक है, ए बी ई यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू लर्नर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।